आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरह से आप आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने आधार कार्ड में 10 साल तक कोई कुछ अपडेट नहीं करवाया हो तो आप आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अगर 10 साल के अंदर आपने कुछ करवाया हो तो आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अपडेट करने के लिए दोस्तों आपको आधार कार्ड की वेबसाइट पर आ जाना है और उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देखेंगे माई आधार, इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे अपडेट योर आधार के अंदर अपडेट डेमोग्राफिक डेट एंड चेक स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर आधार नंबर कैप्चा और ओटीपी डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट अपडेट, दोस्तों इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपडेट करने के लिए 25 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, तो दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यह डिटेल आ जाएगा, दोस्तों आपको इस पर टिक करना है और थोड़ा सा नीचे आएंगे। दोस्तों डॉक्यूमेंट की साइज 2 MB होनी चाहिए, यह JPG या PNG या PDF में भी हो सकता है। दोस्तों चलिए डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप लिस्ट में देख सकते हैं यह सभी में से कोई सा भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं ePAN कार्ड अपलोड करने वाला हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके। उसके बाद दोस्तों आपको 25 रुपए का पेमेंट करना है, दोस्तों सेलेक्ट करके मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं आप उस मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मैं UPI से पेमेंट करना चाह रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों हमारा डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड होने का रिक्वेस्ट चला गया है, आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों आपको स्टेटस चेक करने के लिए SRN नंबर का जरूरत पड़ेगा, आप इसको आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको माई आधार पर जाना है, उसके बाद दोस्तों अपडेट योर आधार, उसके बाद दोस्तों चेक आधार अपडेट स्टेटस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको SR नंबर को टाइप कर देना है, कैप्चा इंटर करके सबमिट कर देना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।